أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعمته ومغفرته وجنة الحلال ودوزخ الحرام ट्रू इस्लामिक इन्फो की तरफ से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। क्या बद्दुआ भी अपना असर रखती है? जिस तरह से दुआ ज़ाया नहीं जाती तो क्या बद्दुआ भी ज़ाया नहीं जाती? और बद्दुआ से कितना नुकसान हो सकता है? और क्या गुस्से में कहे गए अल्फाज या गुस्से में दी गई बद्दुआ भी आपके लिए असर रखती है? बहुत सारी माएँ आजकल देखने में आता है, बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं या शोर कर रहे हैं तो माँ भी पूरा दिन काम करके थकी होती हैं तो गुस्से में उसके मुंह से कुछ बुदवाए अल्फाज निकल जाते हैं या कुछ बुरे अल्फाज निकल जाते हैं, तो क्या वो अल्फाज वो बुदवा भी बच्चों पे असर कर सकती हैं? तो अजीज़ दोस्तों, आज की खसूसी वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई गई है कि बुदवा क्या है, इसकी पहचान क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने माज रजी अल्लाह ताला अन्हों को जब यमन भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन्हें खसूसी हदायत दी कि मजलूम की बदुआ से डरते रहना कि अल्लाह और उसकी बदुआ के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। तो अज़ीज़ दोस्तों, इस रिवायत से चीज़ पता चली कि बदुआ अपना असर रखती है और ये बड़ी ही ख़तरनाक चीज़ है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी इंसान पर बदुआ लगी हो यह बदुआ का असर हो तो उसकी क्या निशानियां, क्या अलामत हैं। तो सबसे पहले उस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा बेसकूनी हो जाएगी। पैसा भी है, काम भी अच्छा चल रहा है, लेकिन दिल में सुकून नहीं है। काम में दिल ना लगना यानी कि आपका काम तो ठीक जा रहा है, आपको आता भी है, लेकिन आपका काम में दिल ना लगे। बदसूरत हो जाना, चेहरे पर बदसूरती आ जाना, चेहरा ख़राब हो जाना, या अचानक से आपका जिस्म बेहुदा हो जाना यानी मोटा हो जाना, या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना। अजीज़ दोस्तों, याद रखें, जिस तरह से दुआ ज़ाया नहीं जाती बिल्कुल उसी तरह से बददुआ भी ज़ाया नहीं जाती। तो क्या किसी माँ की बददुआ भी बच्चों को लग सकती है? तो उसकी सही बुखारी में एक हदीस मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक साहब थे, वो नमाज पढ़ रहे थे, उनकी वालदा आई और उन्हें पुकारना शुरू किया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो इसी सोच में गुम थे कि नमाज पढ़ूं या माँ को जवाब दूं। इतने में गुस्से में माँ ने उन्हें बदुआ दी कि ऐ अल्लाह, इसे तब तक मौत ना आए जब तक किसी बदकार औरत का मुंह ना देख ले। वो इंसान ज़्यादातर अपनी इबादत खाने में ही मौजूद रहता था और उसी के करीब एक औरत अपनी बकरियाँ चराती थी। एक दिन वह औरत उस मर्द के पास आई और उससे गुफ्तगू करना चाही लेकिन उन्होंने मुंह फेर लिया। फिर वह एक चरवाहे के पास गई और अपने जिस्म पे काबू ना रख पाई और आखिरकार कुछ अरसे के बाद उसको लड़का पैदा हुआ। उस औरत ने उस बच्चे का इल्ज़ाम उस मर्द पे करार दे दिया जिसने इसकी तरफ से मुंह फेर लिया। कौम के लोग आपस में जमा हो गए और उसके घर को, उसकी इबादत गाह को आग लगा दी। इतने में उस शख्स ने वजू किया, नमाज पढ़कर उस लड़के के पास आए और उससे पूछा कि बता, तेरा बाप कौन है? बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल पड़ा और कहा कि फलां चरवाहा मेरा बाप है। लोगों ने कहा कि हम आपके लिए सोने की इबादतगाह बना के देंगे, लेकिन उन्होंने कहा मेरा घर तो मिट्टी से ही बनेगा। तो अजीज़ दोस्तों, इस रिवायत से चीज़ पता चली कि माँ की बदुआ भी बच्चों पर असर कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी इंसान के ऊपर बदुआ का असर मौजूद हो तो वह ये असर कैसे ख़त्म कर सकता है। सबसे पहले तो वह इंसान उस शख्स से माफ़ी मांग ले जिसकी बदुआ उसको लगी है। अगर वो माफ़ी नहीं मांग सकता या नहीं पता कि किसकी बदुआ लगी है तो सबसे पहले वो अल्लाह पाक से माफ़ी मांगना शुरू कर दे यानी अस्तगफार का वजीफ़ा शुरू कर दे। दिन रात जहाँ तक हो सके अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहे और अल्लाह की राह में अल्लाह के लोगों के लिए सदका देता रहे और जहाँ तक हो सके गरीब लोगों में खाना ज़रूर तकसीम करे। इंशाल्लाह बहुकम खुदा अल्लाह पाक की रज़ा से, अल्लाह पाक के हुक्म से उसकी बदुआ ख़त्म हो जाएगी। अजीज़ दोस्तों, याद रखें, बदुआ किसी भी इंसान के किसी भी इंसान पे अपना असर रख सकती है, तो कोशिश करें कि कभी भी किसी इंसान को बदुआ ना दें। अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके ज़रूर शेयर करें
क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी की कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई टेंशन दूर होगी तो उसका सवाब भी आपको ज़रूर मिलेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और कश्मीर के भाइयों पे हसूसी रहमत अता फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے